dear Bishan Singh Bedi, wishing you a very happy birthday. Here is a gift for you. The 1979 Ranji Trophy Finals, when Delhi won the championship for the first time. Thank you for all those wonderful wickets. And for my generation folks, thank you for the sweet memories. Live long, live well, and be safe. बेंगलोर 24 मार्च रणजी ट्रॉफी फाइनल गत वर्ष के चैंपियन कर्नाटक और दिल्ली के बीच दिल्ली की ओर से चेतन चौहान और वेंकट सुंदरम ने कर्नाटक की कमजोर फील्डिंग का पूरा लाभ उठाया। सुरेंद्र अमरनाथ 132 रन। सुरेंद्र खन्ना 111 रन। दिल्ली पहली पारी 516 रन। कर्नाटक की ओर से खेलना शुरू किया रॉजर बिनी और किरमानी ने। किरमानी 27 रन बनाकर आउट। टंडन ने केवल 11 रन बनाए। सुधाकर राव 43 रन पर मदनलाल की गेंद पर आउट। ब्रजेश पटेल ने कुछ आशा जगाई पर वे अकेले पड़ गए। कर्नाटक प्रथम पारी 411 रन, ब्रजेश पटेल 166 रन पर नॉट आउट। सीजन का उनका पांचवां शतक रूसी मोदी के बराबर। दूसरी पारी में दिल्ली के चार खिलाड़ी केवल 41 रन ही कर पाए पर मोहिंदर अमरनाथ 178 रन बनाकर भी अपराजित। सुरेंद्र खन्ना ने भी 128 रन बनाकर महत्वपूर्ण योग दिया। दिल्ली द्वारा 8 विकेट पर 416 रन बनाकर पारी समाप्ति की घोषणा। कर्नाटक की दूसरी पारी में विकेटों का तांता। मदन लाल ने 30 रन देकर 5 विकेट गिराए। किरमानी ने सबसे अधिक 33 रन किए। कर्नाटक दूसरी पारी का स्कोर सिर्फ 122 रन। दिल्ली की विजय रणजी ट्रॉफी में पहली बार उत्तर भारत की टीम का अधिकार।